दिस इज़ द 2 months मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रन हु इज सफरिंग विद द सीजर्स. मैंने टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन सफर विद द सीजर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट चिल्ड्रंस सफरिंग विद द ब्रेन डिसऑर्डर्स और द सफरिंग विद द लो कॉन्सेंट्रेशन पावर एंड अल्सो समटाइम्स ट्रेमर्स अल्सो फॉर्म इन द चिल्ड्रन. हमारे यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, टीनेजर्स और एडल्ट्स भी आते हैं जिनको कि बार बार सीजर्स एंड फीड्स आ जाती हैं. ऐसे सब पेशेंट में लॉन्ग टर्म तक केमिकल मेडिसिन लेने से ब्रेन पावर कम हो जाता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स फॉर्म हो जाते हैं और थोड़े दिनों में बच्चों की मेमोरी कम होने लगती है. डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस इनमें कॉमन रहता है, बच्चे हाइपर एक्टिव बन जाते हैं और उनके ट्रेमर्स पाए जाते हैं, यानी हाथ पर अपने आप ही हिलने लग जाते हैं, कोई भी चीज़ ठीक से उठा नहीं पाते हैं, जगह पे रख नहीं पाते हैं या फिर कोई भी चीज़ उनको याद नहीं रहती है. ऐसे सब बच्चों में और बड़ों में एडल्ट्स में हर्बल मेडिसिन बेस्ट रहती है. उनके फिट्स बंद करने के लिए उनको इमिजिएटली हर्बल मेडिसिन स्टार्ट की जाती है और नसम और शिरोधारा इसमें मेन रहता है. डेली सेनम स्वेनम के बाद नेजल ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन में उतार के उनके जो भी अफेक्टेड ब्रेन पॉइंट से उसको हीलअप किया जाता है, ब्रेन को नरिश किया जाता है और नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी की वेंस और आर्टरीज को क्लियर किया जाता है और थोड़े दिनों में फिर साना बच्चों को बड़ों को बंद हो जाता है और ट्रेमर्स भी विद इन 5 to 10 days ऑफ द पंचकर्मों में बंद किए जाते हैं. नींद कंटिन्यूसली आने के लिए नसम और शिरोधारा बेस्ट रहता है और विद इन 3 to 6 months ऑफ द ट्रीटमेंट में फिट्स कम्प्लीटली क्योर किए जा सकते हैं और बच्चों का ब्रेन पावर परमानेंटली आप बढ़ा सकते हैं.